माशाल्लाह हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलहम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अला फी तवहुदे व दना फी तफर्रुदे وَجَلَّ فِي سُلْطَانِهِ وَعَظُمَ فِي أَرْكَانِهِ وَآتَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا وَهُوَ فِي مَكَانِهِ وَقَهَرَ جَمِيعَ خَلْقِهِ بِقُدْرَتِهِ وَبُرْهَانِهِ حميدا لم يذل محمودا لا يذل مجيدا لا يذل مبديا ومعيد كل امر اليه يعود الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولايته امير المؤمنين وأولاده المعصومين حجج الله على الخلق أجمعين وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيبنا وطبيب قلوبنا وشفي ذنوبنا أفضل الأولين وأشرف الآخرين والعبد المعيد ورسول المصدق والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد والصلاة والسلام خصوصا بالولاية المنصوص بالوصاية يا صوب الدين وسيد الوصيين إمام المتقين وسيدة الجليلة المخدومة المحرومة عن حق ميراث أبيها وعلى سيد شباب أهل الجنة لا سيما للحق الجديد وطلعة الرشيد إمام المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين أما بعد فقد قال الحسين بن علي عليهم السلام إن الحياة عقيدة وجهاد صلوات بعد محمد سامعین گرامی قدر ناظرین محترم محرم الحرام 1443 हिजरी का मुहर्रमुल हराम। मुहर्रमुल हराम आहुबका आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के मसाइब का महीना है। अपने दीन की तजदीद इन्हमाम मोहम्मद और आले मोहम्मद की तरफ पहुंचना, खुदा की याद मुहर्रमी में रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस ऐलान अलस्तु औला बिकुम मिन अनफसकुम, क्या मैं तुम्हारे नस पर औला नहीं हूं, हम तुम्हारे नस पर हाकिम नहीं हैं। गदीर का हां में जवाब दिया गया मुहर्रम ही में, ला बकीन लका बदलत दुमू अदमा, यानी मैं पानी के बदले खून के आंसू रोता हूं। यह अमल सबूत देना है कि मुहर्रमुल हराम भी शियान अली इब्न अबी तालिब
मकाम उज़्मा विलायत व इमामत से अपनी मोहब्बत और अकीदत का सबूत देते हैं। शियाने अली इब्न अबी तालिब ये साबित करते हैं कि विलायत पर हम गामजन हैं। रसूल ने फरमाया कि मैं तुम्हारे ऊपर हाकिम हूं, सरपरस्त हूं, रहबर हूं, कायद हूं, मैं तुम्हारा मौला हूं, उसके अली मौला है। इसका सारा सबूत मुहर्रम में दिखाई देता है। ये मकाम उज़्मा विलायत और इमामत से अपनी मोहब्बत और अकीदत का शियान अली बिन अबी तालिब सबूत देते हैं। ये महीना अश्क व आज़ादारी का महीना है, शिया की मोहब्बत का इजहार का महीना है और मोहब्बत अहले बैत के इजहार करने का महीना है। ये अमली सबूत पेश करने का महीना है कि हम विलायत आले मोहम्मद पर भी गामजन है, मोहब्बत अहले बैत पर भी हैं और दीन और इस्लाम के हम फॉलोवर हैं, हुक्म इलाही के पाबंद हम हैं, और इताअत इलाही, इताअत शियारी और इताअत नबी और इमाम के जान कुर्बान करने वाले और उनके आगे अपने आप को तस्लीम करने की मंजिल पर हमने अपने आप को पहचाना है और पहुंचा दिया है। ये महीना अश्क और आजादारी का महीना है, शिया के मोहब्बत के इजहार का महीना है, माह करबला, माह मक्तल, सीना जनी का महीना है और ये महीना हक को जाहिर करने का महीना है। हर चीज हक है, जो भी हक है उससे जाहिर करिए। यह हक जो हमारे ऊपर भी है, बंदों के ऊपर भी है, खुदा का हक या हमारे ऊपर हो या हमारा बंदों के ऊपर हो या बंदों का हमारे ऊपर है, उसके सारे ओपन जाहिर करने का यह बेहतरीन महीना है। और यह महीना तौहीद और रिसालत और विलायत की बका की जामिन का महीना है। अगर ये महीना ना होता न तौहीद बचती, न रसालत बचती, न विलायत बचती। लिहाजा कलमे तौहीद, कलमे नबुव्वत और कलमे विलायत का इकरार आज जो बाकी है वो मुहर्रम की वजह से है, शहादत हुसैन इब्न अली की वजह से है। मेरे अजीजो, जब ये इतनी अजमत वाला, मसायब वाला महीना है, किरदार साजी का महीना है, अपने आप को सजाने और संवारने का महीना है, कुर्ब इलाही का महीना है, खुदा से करीब पहुंचाने का महीना है, रजा इलाही का महीना है, तो इसमें अपने कानों, आंखों और हाथ और जबान और दीगर तमाम आज़ाए बदन को गुनाह से बचा लें। हम वो सुने जो हुसैन सुनाना चाहते थे, हम वो देखें जो हुसैन ने दिखलाया है। हाथ हमारा वहां उठे जहां हुसैन ने हुक्म दिया है कि हमारा हाथ यहां उठे, हमारी जबान वो बोले जो हुसैन बुलवाना चाहते थे सारी कायनात को, और उसकी वजह से सारे हमारे कान, आंख, जबान, हाथ, पांव, सब कुछ इताअत मौला में हो जाए और इनके तमाम दुश्मनों से, शर शैतानी से, ख्वाहिश नफसानी से अपने आप को बचा लेने का महीना है। यकीनन इंसान अपने आप को केयर करेगा, अब हुसैनी बना रहेगा, ऐसा कोई काम नहीं करेगा जो यजीदी सिफत है। हमारा चलना, हमारा फिलना, हम जहां भी चल रहे हैं, हम जहां भी जा रहे हैं, लोग हमारे लिबास से भी, हमारे किरदार से भी, हमारी जबान से भी ये देख ले कि ये वो जा रहा है जिसके घर गम है, जिसके घर मुहर्रम है, ये सही अदादार है। और हमारी जबान, हमारी रफ्तार, हमारी गुफ्तार, हमारे लेन देन से लोग ये कहें कि ये हुसैनी है, इसके घर कोई मुसीबत आई है, इसके घर कोई जनाजा उठा है, इसके घर कोई मुसीबत आई है, तो हर किरदार से हम साबित कर रहे, हर अंदाज से हम साबित कर दें कि हम अजादार हैं। मेरे अजीजो, ताकि इस माह में हम जो भी सुने उस पर अमल करें और इसी वजह से हमें यह तौफीक मिलेगी कि हम अहले बैत के फजाइल, मसाइब और खास तरीके से हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के फजाइल, मसाइब बिलखुसूस सुनने के लिए हम आमादा हों, कान हुसैन का सुने, हुसैनी खुतबे सुने, हुसैनी पैगाम सुने, हुसैनी नसीहत सुने, हुसैनी दर्स सुने, हुसैन के
तमाम कानून को अपने जहन में लाने के लिए कान को हम खोल रहे हैं, पाक कर दें, आंखों से इमाम हुसैन के पैगाम को देखें, नश्र करें, और शियाए हुसैन और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की तमाम कुर्बानियों को दुनिया के सामने पेश करें और इसी तरीके से पेश करते रहें कि यकीनन हम कामयाब हो गए। मुहर्रम में जिस्म और रूह की हिफाजत करना है, जहां हर वक्त में हमें झूठ गीबत से परहेज करना है, किसी पर तोहमत भी नहीं लगाना है, हमें एक भाईचारगी और खुवत के साथ रहना है, हमें अपने दरबार को खोल के रखना है, हमें इतना तंगदस्ती न हो कि हम आजादारी में दूसरे को बर्दाश्त न कर सकें, बल्कि आजादारी को इतना जामे बनाएं कि दूसरे को भी पैगाम हुसैन पहुंचाएं, इंसानियत का दस्त पहुंचाएं और दूसरों को आमादा करें कि हुसैन इंसानियत को जिंदा करने के लिए आए थे। और तमाम खुराफात से बचना चाहिए, हर वक्त हमारी जबान पे सलावात इस्तगफार का विर्द हो। मुहर्रम में क्या करना है, सिर्फ एक घंटा मजलिस सुनना ही नहीं है, पूरा महर मुहर्रम अपने किरदार को सजाने के लिए आमादा करने के लिए, ताकि खुदा वंदे आलम हमें तौफीक दे कि इस महीने में ज़ियारत आशूरा, मरसिया, अशआर, सीना जनी, गम, पुरसा, दर्स, नसीहत, पैगाम हुसैन, हजरत इमाम हुसैन का नाम मुबारक हमारी जबान पे जारी हो, हम हुसैनी बन जाएं। हमें कोशिश करना है कि महल अंबर और गुलाम में कसाफत से आलूद ना करें, लिहाजा हम अपनी आंखों को अश्क बहाने के लिए पाक कर लें, आंसू जो बहे हमारी आंख पाक हो जाए, हम आंखों को ये इजाजत हरगिज न दें कि वो किसी शय या किसी को देखे जो इस्लाम में मना है। हमें अपनी आंखें कुरानी आयात, आइमे हुदा की ज़ियारत, ज़रिए मुताहर, आइमे मासूमीन, आलम ताजिया, वो शायरुल्ला, वो निशानिया हुसैन की तरफ हम आमादा हों, इमाम हुसैन पे गिरिया करें। अगर ये हमारी आंखें से निकले हुए आंसू हजरत इमाम हुसैन की बरकत की वजह से पाक हो जाए, तमाम आलूदगी से दूर हो जाए, हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम इन आंसू का इस्तकबाल करें जिसके एहतराम के हम कायल हैं, ताकि जरूरी है कि हम आंखों से हमारे आंसू बह सके। मेरे अजीजों, ये भी निहायत जरूरी है कि हम अपने हाथों को भी बड़े गौर से देखें, क्योंकि इस महीने में हमारी ये कोशिश होती है कि हम हजरत इमाम हुसैन, हजरत जनाब अली अकबर, हजरत अली असगर, हजरत ज़ैनब कुबरा और अहले बैत के साथ मोहब्बत का सबूत पेश कर दें और इन्हीं बातों से मातम करें, इन्हीं हाथों से अपनी आंखों को आंसू साफ करें, इन्हीं हाथों से जो दूसरों की मदद करें, इन्हीं हाथों से किसी के लिए इंसाफ का काम आ सके, इन्हीं हाथों से दूसरों का सहारा बन सके, और पेशानी पे मातम करते हैं और उन्हीं हाथों से जंजीर जनी और उन्हीं हाथों से दस्तरखान इमाम हुसैन और इन्हीं हाथों से तबर्रुक हुसैन लेते हैं। लिहाजा अब हाथ को पाक कर लो, हाथ को सही कर लो, तमाम कसाफतें, तमाम गंदगियों से उसे महफूज कर लो। मेरे अजीजो, यकीनन ये आमादगी मुहर्रम है और अपने पैरों से चलकर हर काम नहीं करना चाहिए, बल्कि ज़ियारत के लिए जाना चाहिए, हरम में जाना चाहिए, मस्जिद जाकर नमाज जमात अदा करना है, बल्कि इसके पैरों से चलकर मजलिस अज़ा में शिरकत करो, बिरादराने ईमानी की हाजत रवाई करो, कोशिश करते रहो, तमाम कार्य खैर अंजाम देते रहो, हर वक्त माल आराम खाने से बचे रहो, मुहर्रम में खसूसी तौर पर परहेज करो। मेरे अजीजो, मुहर्रम में जिंदा जो लोग हैं उसका सबूत पेश करें, रोजमर्रा जिंदगी में गम की झलक आए, हमारी जिंदगी में एक गम के तासुरात जाहिर हों और हमारा चेहरा, हमारा अमल, हमारा घर, हमारा उठना, हमारा बैठना, सब कुछ गम ज़दा लगे। और यकीनन मुहिब्बाने अहले बैत की जिंदगी मुहर्रम और सफर में तब्दील होना चाहिए, सिर्फ लिबास तब्दील ना हो बल्कि किरदार तब्दील होने का नाम हो। एक सलावात पढ़ दे मोहम्मद वाले मोहम्मद, इन चेहरों से गम अंदोह नुमाया हो, उन्हें साहिबाने मसाहिब की खिदमत में ताजियत और तसल्लियत
तसलियत पेश करना चाहिए और आजादार के तमाम काम सब मिलकर अंजाम देना चाहिए ताकि तमाम हजरात मोमिनीन के इस कार्य खैर से बहरामंद हो सके। जाती कामों को मुहर्रम से पहले समेट लीजिए ताकि अय्याम मुहर्रम में उसके पास वक्त हो कि वो अच्छी तरीके से मजलिस हुसैन कर सके, सीना जनी कर सके, हजरत इमाम हुसैन की आजादारी के लिए बेहतरीन और ज्यादा से ज्यादा वक्त निकालना चाहिए ताकि सवाब ज्यादा हो। अपनी तफरी, अपनी खेल, अपनी हंसी मजाक को खत्म करना चाहिए और मेरे अजीजों यकीनन गम और आजादारी को खुशी पर मुकदम कर देना चाहिए। अपनी सारी खुशियों को कुर्बान कर दो, हुसैन गरीब का गम ले लो। हाँ मेरे अजीजों बहुत सी बातें हैं लेकिन सिर्फ इशारे में आज मैं आपकी खिदमत में सियाह लिबास, काला लिबास, सियाह लिबास अपने और खानदान के तमाम अफराद के लिए मुहर्रम से पहले तैयार करवाना मुहर्रम के आदाब में है। हमें सियाह लिबास बनवाने की फिक्र होनी चाहिए ताकि इस दरसगाह आजादारी इमाम हुसैन और दीगर लोग शरीक हो सके और सवाल करें ये काला लिबास क्यों पहने हो। इससे अहियाए अम्र आजादारी की तकवीत मिलती है, आजादारी जिंदा होती है, लोग अपने आजादार को पहचानते हैं। हमें इसी तरह मुहर्रम में अपनी जिंदगी को तब्दील कर देना चाहिए। हमारे मासूम बच्चे भी सवाल करेंगे किस वजह से अचानक हमारे कपड़े बदले गए हैं और इसका रंग क्यों बदला गया है, तो हम जवाब दे सकें ये हजरत इमाम हुसैन की शहादत के दिन है। ऐसे अजीम माशरे में तरबियत पाने वाले बच्चे जब जवान होंगे तो वो खुद बखुद मुहर्रम से पहले अजा, गम और अंदो, हुज्न, मलाल, आंसू, मजलिस, तबर्रुक इन सब चीजों के लिए आमादा हो जाए। अशरे मुहर्रम में कुरान मजीद का जिक्र भी है, कुरान पाक मुकम्मल जाब्ते हयात है, कुरान पैगामे हुसैनियत है, कुरानों के नैजा पे हुसैन ने आवाज दिया। तुम इस आलम में भी देख लो कि हम कुरान पढ़ के कह रहे हैं कुरान जिंदा है और कुरान को पैगामे हिदायत बनाकर हम पेश कर रहे हैं। इसी में हर शय का जिक्र भी है, बात चीजों का जिक्र किनाए तरीके से है, बात को खुले ओपन तरीके से है, तारीख इसी में है, दर्दनाक तरीन बाबे वाके करबला भी इसी में है, कुरान मजीद में है और यकीनन यकीनन इसका जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। कुरान मजीद सूरे फज्र और मासूमीन की जबान इसका नाम सूरे हुसैन भी है, सूरे फज्र पढ़ना चाहिए। वल फज्र वल्लयालिल अश्र, दस रातों से मुहर्रम का पहला अशरा मुराद है, बहुत एहतमाम करना है। ये इस माह की अजीम अजमत की दलील है और इसकी वजह यह है कि इसमें रोजे आशूर है और ये अशरा उस खुसूसी तौर पे आशूर का दिन हजरत इमाम हुसैन के मसाइब और शहादत का दिन है। मेरे अजीजो मुहर्रम में आइमे हुदा की सीरत ये रही है कि मुहर्रम में खास एहतमाम करते थे मासूमीन अलैहिस्सलाम और हुस्न हजरत इमाम हुसैन का महीना है। इमाम रजा अलैहिस्सलाम मुहर्रम वो महीना है जिसमें अहले जाहिलियत जंग व जदाल को हराम समझते थे लेकिन इसी महीने में जुर्रियत रसूल को शहीद कर दिया गया, हरम रसूल खुदा को असीर कर दिया गया, हमारे खैमों को जला दिए गए, हमारे तबरुकात लूट लिए गए, हमारे बारे में हजरत नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत को पामाल कर दिया गया। हजरत इमाम हुसैन की शहादत के बाद बहुत ज्यादा गिरिया की वजह से हमारी आंखें जख्मी हो गई, आशूर के दिन हमारी आंखों से अश्क जारी हो जाते हैं। हमारे सबसे ज्यादा अजीज हजरत इमाम हुसैन को करबला में बेदर्दी से शहीद कर दिया गया, हमारे लिए कयामत तक हुस्न मलाल बाकी है। बस लोगों को चाहिए कि वो इमाम हुसैन पे गिरिया करें क्योंकि आपके मसाइब पर रोने से बड़े बड़े गुनाह भी माफ हो जाते। इसी तरह हमारे तमाम मासूमीन अलैहिस्सलाम ने छठे इमाम जब भी मुहर्रम का चांद नजर आता था तो आपका हुस्न ज्यादा हो जाता था और इमाम हुसैन के मसाइब को याद करते थे। हाँ मेरे अजीजो आपका गिरिया बहुत बुलंद हो जाता था, अतराफ आलम में आपकी खिदमत
میں حاضر ہو جاتے تھے حضرت امام حسین کی شہادت پر آپ کی خدمت میں پرصاف تعزیت پیش کرتے تھے۔ اس کے بعد حضرت صادق سمیت تمام لوگ بلند آواز میں حضرت حسین پہ مصائب پر روتے تھے۔ جب آزاداری ختم ہو جاتی تھی تو حضرت صادق لوگوں کو خطاب کرتے تھے، اے لوگوں، حضرت امام حسین اور خدا کے ہاں زندہ ہیں، رحمت اور نعمت الہی میں ہیں۔ آپ اپنی فوج اور مقتل اپنے جوانوں کو مقتل دیکھتے ہیں اور اپنے زائرین اور ماتم اور عزاداروں کو دیکھتے ہیں۔ حضرت امام حسین ان کے نام، ان کے والدین کے نام بھی آگاہ کرتے ہیں جو عزاداری کرتے ہیں، عزاداری میں شریک رہتے ہیں۔ امام حسین ان کا نام لیتے ہیں، ان کے ماں باپ کا نام لیتے ہیں، اور یہ بھی آپ کو معلوم ہو کہ کس عزادار کی بہشت میں کون سی جگہ ہے، یہ بھی حسین نے بتایا۔ حضرت امام حسین تمام رونے والے کو دیکھتے ہیں، ان کے لیے استغفار کرتے ہیں، حسین دیکھتے بھی ہیں، استغفار کرتے ہیں۔ آپ اپنے جد نامدار، اپنے بابا، اپنی والدہ گرامی، اپنے برادر مقدم سے بھی فرماتے تھے کہ میرے عزاداروں، ماتمیوں، میرے مصائب پر رونے والوں کے لیے استغفار کریں۔ اگر میرے عزاداروں کو معلوم ہو جائے کہ خدا ان کو میرے مصائب پر رونے اور ماتم کی کیا جزا دے گا تو وہ بھی خوشحال ہو جائیں گے۔ میرے مصائب پر رونے والے کا گناہ اسی طرح پاک ہو جاتا ہے جس طرح وہ ماں کے پیٹ سے نکلتے ہیں۔ امام رضا علیہ السلام نے فرمایا، محرم میں میرے بابا جان حضرت موسیٰ کاظم بالکل مسکراتے نہیں تھے، یکم محرم سے عاشور تک آپ کا غم اندوہ، حزن و ملال بہت زیادہ بڑھ جاتا تھا، اور عاشور آپ کی مصیبت سب سے بڑا دن ہے، مسلسل فرماتے تھے۔ آج وہ دن ہے جس دن حضرت امام حسین شہید ہوئے۔ آداب آزاداری، اگر یہ سارے فضائل بیان کیے جائیں تو کئی عشرے چاہیے، لیکن اب ہمیں ہر چیز کے آداب ہوتے ہیں، طریقے ہوتے ہیں۔ جب ہم اپنے گھر کو سجاتے ہیں، لوگوں کو مہمان بناتے ہیں تو کیسے ہوتے ہیں، ان کا ہاتھ دلاتے ہیں، ان کے لیے ٹاول دیتے ہیں، ان کو بٹھاتے ہیں، پہلے نمک رکھتے ہیں، سارے آداب و طریقے ہوتے ہیں۔ تو عزاداری کے آداب ہمیں اپنے اعتبار سے نہیں، معصومین کی زندگی کے اعتبار سے کرنا چاہیے۔ مصائب کی گہرائی اور ان کی یاد انسان کو کھانے پینے سے دور کر دیتی ہے۔ ہم یہ صرف نہیں کہ صرف کھانے پینے میں لگے، حتیٰ کہ وہ انسان جو لقمہ جو فقط اس کی بھوک دور کرنے کے لیے ہوتا ہے وہی اتنا کھائے، کھائے تو اس کی آنکھیں اشک بار ہو جائیں، اتنا کھائے کہ آنسو پیدا ہو جائیں۔ کیفا اکلا قد قتل ابن رسول اللہ جعین، میں کیسے کھا لوں جبکہ رسول کا بیٹا حسین بھوکا پیاسا شہید ہوا ہے، میں اس طرح ٹھنڈا پانی پیوں حالانکہ میرے سردار حسین پیاسے رہ گئے۔ پانی کو دیکھ کر اس کی ٹھنڈک کا احساس اور پانی پینے کے بعد حضرت کی پیاس، ہمارے دل سوز ہو جائے، دل بھر جائے، آنکھوں میں آنسو آ جائے۔ کئی طریقے کے عزادار ہوتے ہیں، میں نے مسلسل آپ کی خدمت میں عزاداری کے سلسلے میں بیان کیا ہے۔ مجالس عذاب برپا کرنا ضروری نہیں ہے۔ امام بارگاہ، میں نے پچھلے سال گزارش کیا تھا، امام بارگاہ بند ہے تو ہر گھر کو امام بارگاہ بنا دیں، مخصوص جگہ بنا دیں جہاں حسین کی یاد ہو۔ اپنے آپ کو آمادہ کریں، صوفے سے ہٹائیں، بستر سے ہٹائیں، چادر سے ہٹائیں، کھانے پینے سے ہٹائیں، اچھے لباس پہنے، پاک صاف لباس پہنے، ایک جگہ مخصوص ہو جہاں حسین اور حسین کی ماں کو بلایا جاتا، اپنے دل میں حسین کی مجلس کو برپا کریں۔ مصائب کے لوازم میں سے ہے کہ حضرت امام حسین کے لیے مجالس عزا کا انعقاد کرو، مجالس برپا کرو۔ یہ مجالس عظمت اور فضل کے ساتھ بانی مجلس کی خاص لیاقت اور اہل بیت کا بھی تقاضا کرتی ہے۔ یہ لیاقت حضرت سید الشہداء سے طلب کی جاتی ہے۔ مجالس عزا کی فضیلت، جناب فضل نے فرمایا کہ یکم محرم کو امام صادق نے فرمایا کہ گزشتہ رات تم کہاں تھے؟ فضل نے کہا کہ ہمارے ایک دوست نے کہا کہ ہم نے محرم کا چاند دیکھا ہے۔ اسی مناسبت سے آپ کے حبدار دوستدار کو مجلس عزا کا اہتمام کیا ہے۔ ہم آپ کے جد بزرگوار امام حسین اور آپ کے اہل بیت کی مصیبت پر رونے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ ہم نے ان مصائب کو یاد کیا جو اس مہینے میں آپ کے
आबा व अजदाद पर पड़े थे, हमने इनकी मजलिस में शिरकत की, हम बहुत रोए। आपने फरमाया, नूरुल्लाह कल्ब का व शरह लका सदर का व अजर अला हुस्न मनअ का व वलाइका लिअहले बैत नबुवा। खुदा तेरे दिल को मुनव्वर करे, तेरे सीने को कुशादा कर दे, तमाम हम और गम दूर कर दे, तुझे तेरे इस अमल पर और अहले बैत अलैहिस्सलाम से विला रखने की जजा दे। आपने फरमाया, जब तुम मजलिस अज़ा से बाहर आए हो तो तुमने किसी को देखा? फजल ने कहा, जी हाँ, मैं आप पर कुर्बान हो जाऊं, एक शख्सियत को देखा जो दरवाजे पे तशरीफ फरमा है। हजरत इमाम सादिक ने फरमाया, क्या तुमने उनको पहचाना था? फजल, मेरे सैयदो सरदार, तारीकी अंधेरे की वजह से मैं नहीं पहचान सका। हजरत इमाम सादिक ने फरमाया, मैं खुद ही दरवाजे के सामने बैठा हुआ था। अल्लाह अकबर, अजादारी कर रहे हैं, तमाम कर ले। फजल कहते हैं, अल्लाह अकबर, मजलिस के अंदर क्यों तशरीफ नहीं लाया? ताकि आपको सदरे महफिल में, सदरे मजलिस में और आगे बिठाया जाता है। खुदा की कसम, आप साहिब अदा हैं, वाजिब है हम आपकी खिदमत में ताजियत पेश करें। इमाम सादिक ने फरमाया, मैंने अंदर आने का इरादा किया, मैंने देखा कि मिंबर के पास मजलिस में, आगे मजलिस में मेरे जद्द अमजद रसूल खुदा बैठे हैं, हजरत अमीरुल मोमिनीन बैठे हैं, हजरत फातिमा जहरा तशरीफ लाई हैं, और वो तुम लोगों के साथ हजरत इमाम हुसैन के मसाइब पे गिरिया उजारी और नौहा खानी कर रहे हैं। हाँ मेरे अजीजों, मजालिस अदा अहले बैत को बहुत पसंद है। हजरत अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया कि खुदा मुताले हमें बरगजीदा और पैरोकार अता फरमाए हैं, जो हमारी खुशी में खुशी होते हैं और हमारे गम में गमगीन होते हैं। आपने और फरमाया, जान लो हर शय का सरदार होता है, मजालिस का सरदार हमारे शियों की मजलिसें हैं। हाँ मेरे अजीजों, हजरत इमाम रज़ा ने फरमाया, जिस मजलिस में हमारे अम्र, हमारे पैगाम को जिंदा किया जाए, उसमें कोई मोमिन शरीक हो जाए, जिस दिन दिल मुर्दा हो जाएंगे तो इस मोमिन के दिल उसके लिए कभी मुर्दा नहीं होंगे। मजालिस अज़ा अहले बैत, मजालिस जिक्र है मेरे अजीजों। अमीरुल मोमिनीन ने हजरत इमाम हसन से फरमाया, अलैका बिमजालिस जिक्र, आप मजालिस जिक्र में शिरकत किया करें। इमाम मोहम्मद बाकी ने फरमाया कि हमारा जिक्र अल्लाह का जिक्र है, हमारे दुश्मनों का जिक्र शैतान का जिक्र है। जहां हम बैठे तो समझो कि जिक्र आले मोहम्मद करें। मजालिस अज़ा की वजह से उम्र, औलाद और माल में बरकत बे इंतहा, हम खा पी रहे हैं, हम जिंदा हैं, इज्जतदार हैं, इसी मजलिसों की वजह से, जिक्र इमाम हुसैन गरीब की वजह से हम जिंदा हैं। हदीसे कुदसी में खुदावंद आलम कहता है कि अगर एक दिरहम हजरत इमाम हुसैन की आजादारी पे खर्च किया जाए तो खुदाए मुताल हफ्ताद बराबर 70 गुना दुनिया में बरकत अता करता है। आजादारी राह नजात है, जो कि उम्र में इजाफा, माल में बरकत का सबब है। जो शख्स भी हजरत इमाम हुसैन की राह में जो शख्स भी कुछ भी खर्च करता है, खुदा उसको कई गुना फौरन देता है। और कोई शख्स हजरत इमाम हुसैन की राह में खर्च न करे तो उसके माल में कमी हो जाती है और उसके रिस्क में बरकत खत्म हो जाती है, उसके घर में सुकून खत्म हो जाता है। लिहाजा आजादारी पे खर्च करो, चाहे आंसू हो, चाहे वक्त हो, चाहे माल हो, चाहे दुनिया हो, चाहे फिक्र हो, कोई ना कोई चीज इमाम हुसैन के राह में खर्च किया करो। यही तो एक चीज है जिसका नाम तबर्रुक है, बरकत वाली चीज। कोई भी नियाज हो, बरकत का जरिया है। मासूमीन अलैहिस्सलाम, इमाम के गम और हुज़्न में शरीक होना, हर साल पहली मुहर्रम से आशूर तक हजरत इमाम हुसैन का खून आलूद कुर्ता अर्श जमीन की तरफ लटका दिया जाता है, इसलिए कि तमाम मौजूदात आलम, इनका ताल्लुक आलम बाला से भी है, आलम अर्ज और तहत सरा से भी है, वो मखजून और आजादार हुसैन बन जाते हैं। हजरत इमाम हुसैन, हाँ मेरे अजीजों, बड़े गरीब हैं। इमाम रज़ा फरमाते हैं, पहली मुहर्रम को
आयान इब्न शबीब से फरमाया, ऐ पेसरे शबीब, अगर तू ये जानते हो कि जन्नत में दर्जात आलिया में हमारे साथ रहो तो तुम हमारी मुसीबत में गमगीन और हमारी खुशी में खुश हो जाओ। हाँ मेरे अजीजो, माविया इब्ने वहब ने रवायत की है कि इमाम सादिक को सज्दे की हालत में देखा तो आप हजरत इमाम हुसैन के जायरीन के लिए दुआ कर रहे हैं। हाँ मेरे अजीजो, यकीनन अदादारी अहम दौलत है, खास तरीके से लिबास, लिबास के सिलसिले में एक मजलिस हो जाए बिलाद आलम में, गमंदों को जाहिर करने के लिए काला लिबास पहना जाता है। तारीख शाहिद है कि मुख्तलिफ कौमें इजहार गम के लिए काला लिबास पहनती हैं। हम भी अय्याम शहादत में सियाह लिबास काले लिबास पहनकर ये सबूत देते हैं कि हजरत इमाम हुसैन की शहादत के जख्म हमारे दिलों में ताजा है। हम 1400 साल से आज तक आपके अदादार हैं। काले लिबास मजलूम की मदद की अलामत है, सियाह लिबास गलबा हक को बातिल की अलामत है, काला कपड़ा एलान नफरत है। हम खुदा और उसके रसूल और आल के दुश्मनों से बेदार हैं। काला लिबास सब्र की अलामत है, काला लिबास असीरान कूफा और शाम का लिबास है, काला लिबास लिबास इस्तेकामत और मजबूती है। इसका मतलब यह है कि हम आइम्मे हुदा आइम्मे मासूमीन के मसाइब में बातिल कुव्वतों के सामने पाए तस्लीम रखते हैं, सिबात रखते हैं, क्योंकि साहिबान अदा ने तरह तरह के मसाइब को बर्दाश्त करके इस्तेकामत का सबूत दिया है। आइम्मे हुदा की तारीख में सियाह लिबास काला लिबास, हमारे अजीजों तारीख शाहिद है, काला लिबास बतौर अदा राय था। हम देखें अजादार जाफर तैयार, इन्होंने किस तरीके से काला लिबास इमाम हसन मुस्तफा अमीर उलमोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शहादत पर आशूर के दिन सियाह पोशी तारीख में मौजूद है कि काला लिबास इमाम मोहम्मद बाकिर ने फरमाया, जब इमाम हुसैन शहीद हुए तो आपने सियाह लिबास पहना था। इमाम हुसैन की शहादत के बाद एक फरिश्ता आसमान से नाजिल हुआ, उसने जोर से आवाज दी, अस्साब सवाब अल-हुज़्न फ़इन्ना फ़रख रसूल मकबू, अरे लिबास अदा पहनो, यकीनन रसूल खुदा के फर्जंद शहीद हो गए। इस तरह एक और फरिश्ता आसमान और जमीन के दरमियान आवाज दे रहा है कि या इबादल्लाह, ऐ खुदा के बंदे, हुज़्न मुसीबत का लिबास पहन लो, मसाइब का इजहार हो गया। हाँ मेरे अजीजो, इसी तरह बहुत से हैं। इमाम हुसैन के सबसे पहले सियाह लिबास पोश अहले बैत हैं। जब यजीद ने अहले बैत को शाम में आजादारी की इजाजत दी तो उन्होंने लिबास से अजा पहने, काले लिबास पहने, लिबास मंगवाए गए, शाम की तमाम औरतों ने काले लिबास पहने, 7 दिन तक इमाम हुसैन की आजादारी होती रही। मेरे अजीजो बहुत सबूत है आजादारी में काला लिबास सियाह लिबास का हुक्म है। हाँ मेरे अजीजो, ये फतह की अलामत है, ये मजलूमियत की अलामत है, शायर सियाह लिबास, मेरे अजीजो ये इमाम हुसैन के शार और निशानी है। और काला लिबास, मेरे अजीजों बात तमाम नहीं की जा सकती, इसलिए कि बहुत सी चीजें हैं। हाँ खास तरीके से मेरे अजीजों, काला लिबास लिबास अलामत अज़ा है, और हम अपने इमाम बारगाहों में मस्जिद और घरों और लिबास को काले लिबास में सबूत देते हैं कि हम अदाए हुसैन में पोशीदा लिबास, हम सियाह लिबास पहनकर यह साबित करते हैं कि हम हुसैन अलैहिस्सलाम के अदादार हैं। और कौन लोग हजरत इमाम हुसैन के कातिल हैं, ये लिबास की स्याही इसे धोएं, किस धोएं के स्याही जो खयाम हुसैन के जलते हुए उठते थे। अरे शिया ने हैदर कर्रार लिबास स्याह पहनकर यह साबित करते हैं कि हजरत इमाम हुसैन के बगैर दुनिया हमारी निगाहों की तारीफ हो गई, गोया खुर्शीद विलायत इस माह में गुरूब हो गया। बाज़ा का बेरन शिया सियाह लिबास को आम तौर पे नहीं पहनते बल्कि सिर्फ और सिर्फ हजरत इमाम हुसैन के आजादारी में पहनते हैं। अगर वो लिबास पुराना हो जाता है तो वसीयत करते हैं कि हमारे साथ ये लिबास दफन कर देना। हाँ मेरे अजीजो, हम हजरत साहिब जमान के जहूर तक आजादार हैं। हमने आजादारी को मातम मजलिस काले लिबास के जरिए जिंदा रखा है। एक आएगा इंतकाम लेने वाला
जो सही अदादार है मेरे अदीदो, हाँ वो बदला लेगा। हाँ मेरे अदीदो, माले दुनिया भी खर्च करो हुसैन के नाम पे। अहले बैत की राह में माल खर्च करना बहुत ज्यादा जो सवाब है, जिसकी जो हैसियत है आजादारी में खर्च करो, बिलखसूस हजरत इमाम हुसैन की आजादारी पे खर्च करना निहायत ही अजर का सवाब है। इस सिलसिले में लिबास सियाह की खरीदारी, मजलिस अज़ा, तबर्रुकात, लोगों को बुलाना, लोगों को खिलाना और इसके बाद एहतमाम करना, यह बहुत बड़ी इबादत है। माल खर्च करने का हुक्म है। आखिरी बात मेरे अदीदो, हजरत इमाम हुसैन की आजादारी पर खर्च करने का हुक्म सिर्फ चहारदा मासूमीन ही ने नहीं बल्कि अंबियाए मासलफ, अंबिया और मुरसलीन ने किया है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने खुदाए वंदे आलम से आशूर के बारे में सवाल किया तो जवाब मिला, ए मूसा, अगर कोई शख्स हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत में एक दिरहम खर्च करता है, एक रुपया खर्च करता है, चाहे वो खाना खाने खिलाने में खर्च हो या गैर ताम में खर्च हो, तो खुदा उसको दुनिया में 70 गुना बरकत देता है और उसके गुना माफ कर देता है और वो बहिश्त में बड़ी खुशहाली से रहेगा। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे अदीदो, याद रखो हजरत इमाम हुसैन की आजादारी पे खर्च करते थे इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम। मजालिस के आदाब क्या हैं, मजालिस के तरीके क्या हैं, मजालिस के पैगाम क्या होना चाहिए, मजालिस के असबाब क्या हैं, किन किन चीजों पे हमें गौर करना है, तकब्बुर को दूर रखना है, मेरे अजीजों मजलिसों का एहतमाम करना है। अंबिया और मुरसलीन इन मजलिसों को करते थे, हमें भी उन्हीं मजालिस का एहतमाम करना है। हाँ मेरे अजीजों, यकीनन मजालिस हुसैन की वजह से माफ कर दिया जाता है। गुनाहगार औरत है जो मशहूर है गुनाहों की वजह से, मेरा अजीजो, एक दिन उसे आग की जरूरत पड़ी, अपने पड़ोस में न्याज बन रही थी, तबर्रुक बन रहा था, उसने आग जला के खाना बना रहा था, लेकिन उसके घर गई है कि आग लेने के लिए तो देखा चूल्हा बुझ चुका था, आग खामोश हो गई थी। हो सकता है तबर्रुक खराब हो जाता, लोग मजलिसों में मुनहमिक हैं और लगे हुए हैं, ये गई और जाके सिर्फ फूका, आग जला दिया ताकि खाना तैयार हो जाए। मेरे अजीजों चले गई, रात में ख्वाब देखती है, महशर का मैदान है, मुझे घसीट के ले जाया जा रहा है जहन्नम की तरफ, पीछे से किसी ने आवाज दिया किसे रोक दो, इसकी एक अमानत मेरे पास है। मेरे अजीजों फरिश्तों ने कहा, कौन सी अमानत है, ये तो गुनाहगार है। मेरे अजीजों कहा कि ये जब आग जलाई इसने, इसकी आंख में धुआं गया, चंद कतरे इसके निकले और मेरे अजीजों वो कतरे हमारे लिए अमानत है। एक मरतबा फरिश्तों ने कहा, हुसैन आप तो कितने करीब हैं। अरे मेरे अदीदो, ये जब आंख खुली इस औरत की तो इसने तौबा किया, इस्तगफार किया, राह नजात पे आ गई एक आंसू की वजह से। मेरे अदीदो, यकीनन इन आंसुओं की कदर करिए, इन आंसुओं को बाकी रखिए, इन आंसुओं के लिए नजात का जरिया फराहम करिए और तौबा इस्तगफार करके अपनी जिंदगी को राह हुसैन में चला लीजिए। हुसैन जा रहे हैं मेरे अदीदो, मुझे बात बहुत सी करनी थी लेकिन आज इब्तदाई मजलिस है, आमादगी मजलिस है, फिक्र ख्याल के लिए हुसैन की तरफ चले आने की मजलिस है। मेरे अदीदो, एक औरत है कूफिया, कहती है कि जब इमाम मजलूम करबला मदीने से सफरे आखिरत में उस शहर में मौजूद थे, बैतुश शरब के करीब, उस इरादे से मैं गई कि देखा कि हजरत किस सामान से सवार होते हैं, देखा दर दौलत से अलहदा एक तरफ कुर्सी पर वो जनाब रौनक अफरोज हैं, दाएने बाएं कुछ असहाब हैं, कुछ अजीज हाजिर खिदमत हैं, गिरद पेश अहले शहर के हजूम है, रुखसत होने के आखिरी जियारत करने को सब के सब जमा है। मेरे अजीजों, दूर हटकर कुछ घोड़े जीन बांधे जा रहे हैं, दरे इस्मत के करीब चंद नाके हैं जिनमें महमिल कजावे पर्देदारी और उनकी महारे थामे जमाल और खूबसूरत मौजूद है। ए अचानक एक जवान रायना ने मिसल चौधरी के चांद के बैतुश शरफ से बाहर निकलकर
कदम बढ़ाए और ऊंट की तरफ चला और बाबा ने बुलंद पुकार के कहा, जो लोग नजदीक हैं दूर हो जाए, जो दूर है वो नजदीक ना आए। अरे जुर्रियत रसूल कि सवार होने का वक्त आया है, ये कहकर एक ऊंट की मेहार जमाल खूबसूरत बच्चों के हाथों में आई और खुद उस जवान ने ले ली। अरे मुत्तसिल दरवाजे इस्मत के लाके दरवाजे पे खड़ा कर दिया, ऊंट को बिठा दिया और उस वक्त मैंने देखा कि दो बीबियां दरवाजे से बरामद हुई जिनकी शान और शौकत और वकार अंदाजे कदम से सरदारी के आसार नुमाया है, बुरके सरों के जमीन तक लटके हैं। अरे दाहिने बाएं छोटे बड़े मौजूद हैं मेरे अजीजो। जवान दरवाजे तक इस्तकबाल को आए, अपने साथ एक बीबी को लाए, महमिल पे लाया, फिर अपना जानू नीचे बिछाया, बतौर जीना बनाया कि खातून महमिल पर सवार हो। इसी तरह उस जवान ने दूसरी मुअज्जमा को भी महमिल में सवार किया और उसके बाद दोनों बच्चों ने बारी बारी दोनों महमिल में बिठा दिया। वो औरतें कहती, मैंने किसी से पूछा ये जवान कौन है और एक क्यों सवार होने के लिए उनका इतना एहतमाम है, तो उसने जवाब दिया, तुम्हें नहीं है मालूम, तुम नहीं पहचानती, ये आशिके हुसैन जनाबे अब्बास अलैहिस्सलाम है और ये दोनों मुखद्दरात इस्मत जनाबे ज़ैनब उम्मे कुलसूम है, नवासियान है, मेरे अहले बैत रसूल है। मेरे अजीजो यकीनन दो बच्चियां सवार हुई, ऊंट को आगे बढ़ाया गया। मेरे अजीजों कितना एहतमाम था हुसैन गरीब को बिठाने का। आहिस्ता आहिस्ता मेरे अजीजों ये सवारी चली, हाथों पे है निसार हुए, एक बच्चा आया है जो सुगरा की गोद में है। मेरे अजीजों हुसैन ने कान में कुछ कहा, असगर को अपनी गोद में लिया। जनाबे असगर की कैफियत सफर में याद आ गया होगा, जब रोजे आशूर, अरे जवाले सफर जन्नत के लिए बाप के हाथों में तमाजत और धूप की सख्ती होगी, खैमे से बाहर निकलकर मैदान जंग में आएंगे। मगर उस सफर में, अरे वो इस सफर में ये फर्क था कि मदीने में वक्त सफर वो शहजादे भूखे और प्यासे रहे, मैदान में वक्त आखिर हालत ये थी कि जाते तो दिन गुजरता। मेरे अजीजों किस तरीके से कुर्बानी दी है, मेरे अजीजों नामोस ऊंट पे सवार हो गए। हुसैन मजलूम ने अपने बरादर शार अब्बास नामदार को बुलाया, फरमाए या अखी कदम जवादी, हे भाई मेरी सवारी का घोड़ा कहाँ है, मंगाओ, अब मैं सवार होना चाहता हूँ। काल अल अब्बास समाना व अताना, जनाबे अब्बास ने अर्ज के घोड़ा हाजिर है, अभी लाता हूँ, ये कहकर आगे बढ़ गए। अरे खुद लजा में फरस को हाथ लगाया, अरे जुलजना को सामने लाए, हजरत बहुत दिल गमगी कुर्सी से उठ खड़े हुए, अरे रोजे रसूल की तरफ बनिगाहे हसरत देख के रोने लगे, नाना खुदा हाफिज, ए नाना मैं जा रहा हूँ। मेरे अजीजों कोहराम बरपा हो गया, रोने वालों की सदाएं गिरिया शोर और कयामत बरपा हो गई। इमाम का वो रोज सफर उस रोज की तरह हो गया था जब पैगंबर खुदा ने दुनिया से सफर किया। गरज रोते हुए इमाम जुलजना के पास आए, हजरत अब्बास ने रिकाब थामी और दोषे रसूल के सवार पुश्ते फर्श पर सवार किया। फिर उसके बाद हजरत अब्बास तमाम और अंसार अपने घोड़े पे सवार होकर शान शौकत के साथ अदब के तकाजों के साथ पीछे चले। यहां तो अब्बास मौजूद थे जो सवार किया, हाय हुसैन आखिरी सफर के लिए जा रहे हैं, अरे खैमे से निकल रहे हैं, कोई सवार करने वाला नहीं। उसी गरीब हुसैन की मजलिसों का एहतमाम है, अल्लाह हुसैनी हमें करार। على لعنة الله على قوم الظالمين سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون. پروردگار ہماری اس خلیل سی عبادت کو قبول فرما، پروردگار اہتمام محرم کہنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہمارے امام ہم سے راضی ہو سکے،
ऐसी अजादारी करें कि इमाम ज़मान अज्जलल्लाहु ताला फरजहु शरीफ की तरफ से हमें आज़ादार की सनद मिल जाए। इमाम ज़मान के ज़ुहूर में तअज़ील फरमा। जिन लोगों ने यह अहतमाम किया है, ये मजलिसों का शिरकत किया है, मेहनत किया है आज़ादारी में, परवरदिगार उन्हें जिंदा और सलामत रखे। जहाँ आज़ादारी करना, मजलिस पढ़ना, मजलिस सुनना, रोना और रुलाना सवाब है, वहाँ आज़ादारों की खिदमत करने के लिए रसूल खुदा ने फरमाया, जिसने आज़ादारों की खिदमत की है वो रसूल के साथ अली की ज़ियारत महशर में 40 मरतबा मेरे साथ करेगा। अली की भी ज़ियारत होगी, रसूल की भी ज़ियारत होगी, जो आज़ादारों की खिदमत। परवरदिगार इन दिनों में हमें आज़ादारी और आज़ादारों की खिदमत करने की तौफीक अता फरमा। जिस तरह हमारे लिबास तब्दील हुए, हमारे किरदार भी तब्दील हो जाए। हुसैनी कारखाने से हम इंसान कामिल बन जाए और मोहब्बत अहले बैत हमारी नस्लों में बाकी रखे। हर आफात और बलाओं से हमें महफूज फरमा। इज्जत और कामरानी की ज़िंदगी इनायत फरमा और दरबार इमाम हुसैन को खोल दे। आज़ादारी का सही तरीके से लुत्फानंदाज हो के हम आज़ादारी मना सकें। करबला की ज़ियारत नसीब फरमा। इमाम ज़मान को पुरसा देने की दौलत अता फरमा। रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नक अंतस समीउल अलीम बिहक मुहम्मदिन व आलिहि अत्तय्यिबीन अत्ताहिरीन।